हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट लेक्चर। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर में आज हम टाइप वन में सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि कैसे हम देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम फिर से उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप और क्लैरिफाई हो सको। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, जो न्यू चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्या, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। अब सर इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा देखो, यहाँ पर टेन इनवर्स लिखा हुआ है, तो टेन इनवर्स लिखा हुआ है, और इसको अगर एक्स मान लेंगे तो tan इनवर्स, इसको अगर y मान लेंगे तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसको हम इसको क्या कर लेंगे, इससे कंपेयर कर लेंगे। इसका मतलब x हमारा ये है, y हमारा ये है, तो इसका सर फॉर्मूला क्या होगा, और ये इसका होगा फॉर्मूला tan इनवर्स। सिंपल है, यहां पर x और y है और बीच में क्या है प्लस, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई, और नीचे 1 प्लस है तो नीचे माइनस आएगा एक्स वाई। बस ये आपका फॉर्मूला, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, और ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस हो रहे हैं नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और साथ में माइनस का निशान आ रहा है, तो ये आपने याद रखना है। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो x हमारा क्या बन जाएगा, x हमारा बन जाएगा 2/11। अगर इससे y कितना बन जाएगा, y हमारा बन जाएगा 7/24। तो इसको सॉल्व करके हमने 1/2 आंसर जो है वो लेकर आना है। तो अब x की वैल्यू 2/11 है, y की वैल्यू 7/24 है। हमने यहां पर ये इसका सभी का फॉर्मूला यही है, मीन्स x की वैल्यू 2/11 और y की वैल्यू 7/24 हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, मीन्स फिल कर देनी है, सब्सिट्यूट कर देनी है। तो हम इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स x कितना है हमारा 2/x कितना था हमारा, यहाँ पर पुट करनी है, x हमारा क्या था 2/11, तो ये बन जाएगा ऐसे लाइन लगा लेंगे तो ये बन जाएगा 2/11 प्लस आ जाएगा, और y हमारा है 7/24 ऐसे आ जाएगा 1 माइनस। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये लिख देंगे हम 2/11 मल्टीप्लाई 7/24, तो ऐसे हम इसको लिख देंगे। अब तो हमने जस्ट इसका एलसीएम करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए एलसीएम कैसे करते हैं, उसका भी स्मार्ट वे आपको बता देता हूं। तो अब इसको एलसीएम सॉल्व करना है तो देखिए ध्यान से, tan इनवर्स, अब इसका एलसीएम अगर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा तो मैं कैसे करूंगा, ऊपर 11 है यहां पर 24 है, अगर हम 11 और 24 का एलसीएम लेते भी हैं, 2 के टेबल पे 11 ही आता ठीक है, और 2 के टेबल पे 24 आता है, ऐसे 11 के टेबल में 24 नहीं आता। इसका मतलब 11 से ही करना पड़ेगा और बीच में 24 बच जाएगा तो 24, तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम है वो तो हमारा यही रहेगा 11 और 24, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 11 × 24। मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिखूंगा, इसका रीजन क्या है वो अभी बताता हूं। अब ये अगर 11 × 24 इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको क्या करना है, डिवाइड करूंगा 11 से, फिर देखूंगा कितना आता है। तो इससे बढ़िया अच्छा है कि 11 × 24 ही रहने दो। अब ये 11 × 24 इससे लड़ने गए हैं, मीन्स डिवाइड होने गए हैं, 11 से 11 कट जाएगा, 24 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा प्लस, ऐसे ही 24 और 11 × 24 ये यहाँ पर लड़ने जाएंगे, 24 से कट जाएगा, 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 77 बन जाएगा। तो नीचे क्या बनेगा 1 माइनस, इसको 11 × 24 को ऐसे ही रहने देते हैं, 11 × 24 इसलिए मैंने रहने दिया क्योंकि ऊपर भी हमारा 11 × 24 ही है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। अबने हमने इसको बस सॉल्व करना है और हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं, ये बन जाएगा tan इनवर्स, अब ऐसे बन जाएगा
अब यहां पर देखते हैं ये बन जाएगा 11 इंटू 24। अब देखिए यहां पर ये 48 प्लस 7 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 125 बन जाएगा। अब इसको 11 इंटू 24, अगर 11 इंटू 24 को इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये सीधा 11 इंटू 24 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 24 को तो 264 बन जाएगा। एलसीएम हमारा क्या है, एलसीएम तो हमारा 11 इंटू 24 ही है, बट यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है इसलिए सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 264 बन जाएगा माइनस 11 इंटू 20, ये 11 इंटू 24, ये भी 11 इंटू 24 है, ये आपस में कट जाएंगे तो 14 यहाँ पे आ जाएगा। तो इतना ऐसे आपको करोगे तो मेरे ख्याल से इजी रहेगा, ठीक है। तो 11 इंटू 24 ये आपस में एक दूसरे के 11 इंटू 24 आपस में कट जाएंगे। तो ये बचेगा क्या, ये बन जाएगा tan इनवर्स 125 और नीचे 250, तो फिर से ये आपस में कट जाएंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 20, यहां ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2, तो 1/2 tan इनवर्स 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितनी इजी था इसको करने का भी, मींस हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो आ जाएगा, वो मैंने लिखा हुआ था कि कैसे है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये वाला, तो यही हमने प्रूफ करना है था, ये हमने प्रूफ कर लिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों से, ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।